अगर आप अपने करियर को बनाने, अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई करते हैं, अगर आपका बेस शुरू से मजबूत नहीं है तो आप मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई के बेस को मजबूत करने के लिए पूर्णिया के रजनी चौक स्थित एसके मिशन स्कूल के बगल में मिशन समर्पण कोचिंग सेंटर का शुभारंभ 26 अप्रैल को किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्णिया के महापौर विभा कुमारी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पे समाज सेवी जितेंद्र यादव, एसके मिशन स्कूल के निदेशक अजय कुमार सिन्हा, वार्ड पार्षद अंजनी कुमार शाह एवं शिक्षा जगत के लोगों के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पे अजय कुमार सिन्हा ने बारी बारी से तमाम मुख्य अतिथियों का स्वागत सवाल और मोमेंटो देकर किया। मौके पे विभा कुमारी एवं मुख्य अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग ज्यादा डीप में डेंस वे में पढ़ा सकते हैं। यहाँ अपना सम्मान करने की जो परंपरा है उसका पूरा। इस संस्था के निदेशक अनुभव कीर्ति ने कोचिंग की तमाम जानकारी दी और बताया यह सबसे अलग हटकर कोचिंग है और क्लासरूम मॉडल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जहां बच्चों को बेसिक से पढ़ाई कराई जाएगी। जो बच्चे कक्षा 7 से लेकर 10 तक अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं, जिससे वह मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहां कम फीस में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। देखिए, मिशन समर्पण के जो ये निर्देशक है अनुभव कीर्ति जी, उनको मैं सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ, क्योंकि जहाँ मिशन के साथ समर्पण हो तो वह बहुत ही बड़ी बात होती है। और जिस समर्पण भाव से इन्होंने कोचिंग का आज ओपनिंग किए हैं, उसी समर्पण भाव से बच्चों को। हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अजय बाबू है वो काफी जो प्रतिभागी जो बच्चे हैं उनके लिए काफी आगे रहते हैं, और आज यदि कोचिंग खुला है तो हम समझते हैं कि उन्हीं के संस्कार के बदौलत जो हमारे अनुभव कीर्ति जी हैं, जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, हम उनको भी बधाई देते हैं। और हम यही कहेंगे कि जो कोचिंग के जो मिशन समर्पण है, और ख़ास करके मैं बच्चे को भी कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना ज़रूरी है,
जो आपको इस कोचिंग में जो अजय बाबू के माध्यम से जो आपको यहाँ जो संस्कार मिलता है इसके मिशन में मैंने देखा है, उससे निश्चित रूप से एक अच्छे माने एक अच्छे इंसान बनने की आप लोगों को ये मिलेगी, मदद मिलेगी। जो बच्चे लोग हैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि ये जो अपने मंजिल है उसको जल्दी प्राप्त हो। तो समर्पित हैं हम लोग, जिस तरह से एसके मिशन स्कूल सब लोगों के लिए समर्पित है, उसी तरह से इस तरह का कोचिंग संस्थान का खुलने का विचार आया कि बहुत से विद्यालय हैं, हमारे भी विद्यालय हैं, जहां पर बच्चों को जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि आजकल सिलेबस बहुत ही वास्ट हो गया है। अब NEEP का जो युग दौर आया है, तो बहुत सारे विद्यालय में तो अभी NEEP का अभी रूल्स एंड रेगुलेशन आया भी नहीं है। हम बहुत जल्द ही NEEP पे एक कार्यशाला हम अपने जिला स्तर पर सभी निजी विद्यालयों के साथ करेंगे, ताकि वो भी अवगत हो कि NEEP में है क्या। अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं उसी अंदर में। तो कोई भी चीज़ को लागू करने में थोड़ी सी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर वो बाद में सब अपने फ्लो में आ जाता है। तो मुझे इस बात की आंतरिक खुशी है कि वैसे शहर को छोड़ के ये हमारे बोलने पे दोनों लड़के पूर्णिया आ गए और दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपनी सोच है, इनका एक जुनून है कि हम जिस डेडिकेशन के साथ हम कोई भी काम को उठाते हैं तो उसको पूरा करके ही रहते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये अपने मिशन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मिशन समर्पण कोचिंग सेंटर आपको 7 से लेकर 10 तक को बच्चों के लिए 4 सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई की करवाई जाती है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। इन चारों सब्जेक्ट को नज़र रखते हुए यहाँ पे बच्चों को प्री फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करवाई जाती है। होता क्या है कि बच्चे 11th 12th में जाके काफ़ी नर्वस हो जाते हैं जब उन सिलेबस देखते हैं, वो उसका कारण ये है कि वो 11th 12th के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। कोई भी टॉपिक हम लोग को अगर 11th 12th में आता तो उसका प्रिपरेशन 7th से लेकर ही हम लोग को करना होता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं 7th की पढ़ाई 9th में होती है, 8th की 10th में, 10th की 12th में, 9th की 11th में। तो बेसिकली इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये फंडामेंटल है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ाई करेंगे उनको उस तरह के तैयारी करवाना है कि आगे की जो भी परीक्षा है उनके लिए काफ़ी ईजी हो, चाहे वो नीट की हो, JEE के लिए हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, या CBSE बोर्ड का हो, या बिहार बोर्ड का, किसी भी तरह का एग्ज़ाम उनके लिए काफ़ी आसान हो। प्री फाउंडेशन कोर्स पढ़ाई बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ का कंसेप्चुअल नॉलेज उनको मिले। यही प्रयास है मिशन समर्पण में, जो भी बच्चे आएँ उनको हम लोग इतना नॉलेज दे सकें ताकि उनका सारा आगे का परीक्षा बहुत इजी हो। फैकल्टी हमारे सब अभी लोकल हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। मैथ्स के फैकल्टी हमारे कुणाल अमस्टर नाम है, केमिस्ट्री के फैकल्टी का नाम है त्रिलोक झा, फिजिक्स के फैकल्टी का नाम है प्रतीक सिंह, इंग्लिश के फैकल्टी का नाम है निगार मलिक। ये मिनिमम एक्सपीरियंस इन लोग को 10 से 12 साल का है, जो कि पूर्णिया लोकल एक्सपीरियंस टीचर है। और भी अलग अलग संस्थाएं से क्या अलग खास बात है? खास इस ये है इस बाकी संस्थाओं से कि बाकी जगह प्री फाउंडेशन कोर्स के नाम पर सिर्फ CBSE पैटर्न का ही पढ़ाई करवाया जाता है, बट हम लोग का खुद का स्टडी मटेरियल अध्ययन सामग्री है जो कि हम लोग कोटा पे जाके खुद रिसर्च करके उसको लाए हैं और बच्चों को उसी फीस में ही वो स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। हर टॉपिक का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ उन बच्चों को वो नॉलेज दिया जा रहा है।
ये अलग है बाकी इंस्टीट्यूट से। एक साल में कितना फी रखा गया? 15,000 रुपया साल का है, जिसमें हम लोग बुक है, जितने भी सब्जेक्ट है उनका बुक है, प्लस एक बैग हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दे रहे हैं। दो घंटे का 4:30 से 6:30 का बैच चल रहा है, जिसमें चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ाया जाएगा। सीट इसमें सीमित है, 120 बच्चे की कैपेसिटी है इसमें, और जो भी गरीब बच्चे आते हैं उनके लिए बिल्कुल छूट है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधारकर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400083553। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में, गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉक पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।